आगे बढ़े। तो मैंने अभी भी बताया कि एंथर के अंदर दो लोब होते हैं और हर लोब जो है वो डाइथिकस इन नेचर होता है, यानी हर लोब के अंदर दो थिका होंगे, जिसको हम लोग पोलन सैप भी कहते हैं या पोलन चैम्बर भी कहते हैं, और एक टेक्निकल वर्ड है उसके लिए माइक्रोस्पोरेंजियम। अब मैं आपको बताऊंगा कि ये जो दो चैम्बर है हर लोब में वो अरेंज कैसे होते हैं। इसको ऐसे समझें, अगर मैं सिर्फ एक लोब की बात करूं, तो इस लोब में दो ऐसे लंबे लंबे इलॉन्गेटेड, एक मैंने ये बना दिया और इसी के बगल में एक और बना दिया, यानी दो ऐसे चैम्बर हैं जो एक दूसरे के लॉन्गिट्यूडनली अरेंज्ड है। इसी तरह एक चैम्बर इसके अंदर बना दिया और एक चैम्बर और बना दिया, तो आप देख रहे हैं कि हर लोब में दो इलॉन्गेटेड पैरेलली अरेंज चैम्बर हैं, एक चैम्बर ये, एक चैम्बर ये, इसी तरह दूसरे लोब में भी एक चैम्बर ये, एक चैम्बर ये। तो कह सकते हैं कि ये जो तुम्हारे इलॉन्गेटेड एंड पैरेलली अरेंज्ड लंबे लंबे एंड पैरेलली अरेंज चैम्बर्स, तो दो चैम्बर इधर, दो चैम्बर इधर, यानी कुल मिला के चार चैम्बर। तो अगर हम किसी एंथर के अंदर देखें तो उसके अंदर लोब तो दो होंगे, आप बताइए स्पोरेंजिया कितने होंगे? एक स्पोरेंजिया ये हुआ, एक ये हुआ, एक ये हुआ, एक ये, यानी चार स्पोरेंजिया। और चूंकि चार स्पोरेंजिया होते हैं, इसलिए इस कंडीशन को हम लोग क्या कहते हैं? टेट्रा स्पोरेंजिएट कंडीशन। नाम से पता चल रहा कि इसके अंदर नंबर ऑफ स्पोरेंजिया कितने होंगे? टेट्रा, यानी चार स्पोरेंजिया। तो रिमेंबर, ईच एंथर हैज टू लोब एंड फोर स्पोरेंजिया। ये मोस्ट ऑफ द प्लांट के अंदर, मोस्ट ऑफ द एंजियोस्पर्म के अंदर ऐसे ही होता है, बट इस बात के कुछ एक्सेप्शंस भी है। क्या एक्सेप्शन है? जैसे आपने ये एक फैमिली का नाम सुना होगा, मालवेसी फैमिली। मालवेसी फैमिली जिसमें मालवा प्लांट आता है, गुड़हल प्लांट आता है, चाइना रोज जिसे कहते हैं, उस मालवेसी फैमिली में जो डिफरेंस आता है ऊपर वाले से, हैं तो उसके अंदर भी दो ही लोब, यानी अंतर इज अगेन बाय लोब, लेकिन वो जो लोब होता है हर लोब के अंदर दो थिका नहीं होते, यानी उसके अंदर एक ही थिका होगा, और उस कंडीशन को हम लोग क्या कहेंगे? एक ही थिका तो क्या कह सकते हैं? मोनो थिकस कंडीशन। मोनोथिकस यानी ईच लोब हैज़ वन थिका। तो यहाँ पे मैंने दो दो दिखाए हैं, अगर सिर्फ एक इधर होता, एक इधर होता, तो टोटल कितने चैम्बर हुए, कितने माइक्रोस्पोरेंजिया हो गए? दो। और इस कंडीशन को हम लोग बाई स्पोरेंजिएट कंडीशन कहते हैं। तो मोस्ट ऑफ द प्लांट इट इज टेट्रा स्पोरेंजिएट कंडीशन, इन द रेस्ट ऑफ द प्लांट, फॉर एग्जाम्पल दिस फैमिली या सम अदर फैमिली, दिस कंडीशन इज कॉल्ड बाईस्पोरेंजिएट कंडीशन। तो हम लोगों ने समझ लिया कि ये माइक्रोस्पोरेंजिया क्या है, पोलन चैम्बर क्या है, पोलन सैक क्या है, जिसका एक और वर्ड यूज़ करते हैं हम लोग, थिका। अब ये जो दो चैम्बर यहाँ पे हैं, दो चैम्बर यहाँ पे हैं, ये कैसे अरेंज्ड हैं? इस अरेंजमेंट को ठीक से समझने के लिए हमें संथर का सेक्शन काटना पड़ेगा यहाँ से यहाँ तक। और हम सेक्शन कौन सा काटेंगे? TS, यानी कौन सा सेक्शन? ट्रांसवर्स सेक्शन। वो काट के देखते हैं कैसे होता है। तो मैं इस अंतर का ट्रांसवर्स सेक्शन कर रहा हूं, और ट्रांसवर्स सेक्शन में अगर देखा जाए TS में, तो सेक्शन कुल मिला के ऐसा होगा। ऐसा आएगा, ये नीचे का पार्ट जो है वो फिलामेंट हो गया है, और ऊपर का पार्ट ये एंथर का पार्ट है। तो देखा जाए कि ट्रांसवर्स सेक्शन में इसके चार साइड दिख रहे हैं, एक साइड ये, एक साइड ये, तीसरा साइड ये हो गया, चौथा साइड हो गया, और इस फोर साइडेड ट्रांसवर्स सेक्शन को हम लोग एक नाम से टेट्रागोनल आउटलाइन बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं?
टेट्रागोनल। टेट्रागोनल का मतलब है इट इज़ ए फोर साइडेड स्ट्रक्चर। अगर आप देखें तो ये मैंने फिलामेंट बना दिया, ये एंथर बना दिया, ये एंथर का एक लोब हुआ, एक एंथर का ये दूसरा लोब हुआ, मान लीजिए लेफ्ट लोब है और ये राइट लोब है। अब इसी लोब में मैंने कहा कि ये चैम्बर्स है, रेड कलर से मैंने बनाया हुआ है। तो एक चैम्बर यहाँ दिख रहा है, एक चैम्बर यहाँ दिख रहा है, एक चैम्बर यहाँ दिख रहा है, एक चैम्बर यहाँ दिख रहा है। तो ये जो चार माइक्रोस्पोरेंजिया हैं वो आपको यहाँ पे दिख रहे हैं चारों कॉर्नर्स पे, फोर कॉर्नर्स पे चारों स्पोरेंजिया। तो ये जो रेड कलर से मैंने बनाया है, क्या बोलेंगे इसको, माइक्रो स्पोरेंजिया, जिसको मैंने कहा था कि हम लोग इसको पोलन सेग भी कहते हैं। तो कितने माइक्रोस्पोरेंजिया दिख रहे हैं, चार। दोनों लोब के बीच में, अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया था कि एक स्टेराइल बैंड होता है कनेक्टिव टिशू का, पैरेन्काइमेटस टिशू का, और उसे क्या कह देंगे, कनेक्टिव। तो कनेक्टिव ने दोनों लोब को जोड़ रखा है और हर लोब में दो स्पोरेंजिया दिख रहे हैं, दो स्पोरेंजिया यहाँ, दो स्पोरेंजिया। स्पोरेंजिया किसे कहते हैं, माइक्रोस्पोरेंजिया। स्पोरेंजिया किसे कहा जाता है, स्पोरेंजिया उस जगह को, उस चैम्बर को बोलते हैं जहाँ पे स्पोर बने, यानी स्पोर बनाने वाले रूम को, चैम्बर को क्या कहा जाता है, स्पोरेंजिया। तो इसी माइक्रोस्पोरेंजिया के अंदर हम लोग देखेंगे कि क्या होता है आगे। पहले तो ज़रा ये देख लें, ये जो चीज़ मैं बना रहा हूँ यहाँ से यहाँ तक, ये जो पार्ट है, ये जो पार्ट है या ये जो पार्ट है, इसे हम लोग कहते हैं एंथर की वाल। क्या कहते हैं, एंथर वाल। तो एंथर वाल हो गया तुम्हारा, ये यहाँ से यहाँ तक एंथर वाल हो गया और ये चार स्पोरेंजिया दिख रहे हैं। स्पोरेंजिया के अंदर कुछ सेल्स भरे रहते हैं। ये जो सेल्स मैं दिखा रहा हूँ, ये एक टाइप का टिशू है, ठीक है ना, यही टिशू आगे चल के स्पोर बनाएगा। तो ये स्पोर बनाने वाला टिशू है, जिसको हम लोग एक टेक्निकल वर्ड स्पोरोजिनस टिशू कहते हैं। कैसे नाम पड़ा है, ऐसा टिशू जो स्पोर की जेनेसिस करे, स्पोर बनाए, यानी स्पोर बनाने वाले टिशू को क्या कहते हैं, स्पोरोजिनस टिशू। और इसके अंदर जो ढेर सारे सेल दिख रहे हैं आपको, हजारों लाखों करोड़ों ये सेल दिख रहे हैं, इन सेल को क्या कहा जाता है, शॉर्ट में पीएमसी। क्या फुल फॉर्म हुआ, पोलन मदर सेल्स, यानी ये माँ है, मदर सेल है, जो आगे चल के क्या बनाएंगी, पोलन ग्रेन। तो पोलन मदर सेल के इस ग्रुप को, इस क्लस्टर को स्पोरोजिनस टिशू कहा जाएगा, पोलन मदर सेल कहा जाएगा। और चूंकि यही लोग आगे चल के पोलन मदर, पोलन ग्रेन बनाएंगे, कैसे बनाते हैं पोलन ग्रेन, जब ये सेल मियोसिस करेंगे और मियोसिस करके जब स्पोर बनाएंगे, ठीक है, तो उस स्पोर को हम लोग क्या कहेंगे, माइक्रोस्पोर। तो चूंकि ये माइक्रोस्पोर के सिंथेसिस कर रहे हैं, माइक्रोस्पोर का निर्माण कर रहे हैं, इसीलिए हम इसको पोलन मदर सेल भी कहते हैं। और मैं आगे चल के बताऊँगा कि माइक्रोस्पोर में और पोलन ग्रेन में क्या डिफरेंस है। तो बहरहाल ऐसे सेल को जो माइक्रोस्पोर बनाए उनको हम लोग क्या कहेंगे, मदर सेल, और बेटर क्या कहेंगे इसको, पोलन मदर सेल, मियोसिस करके बनाते हैं। पहले ज़रा इसमें जो सबसे बाहरी लेयर है वो एंथर वाल है। एंथर वाल इज ए फोर लेयर्ड स्ट्रक्चर। तो पहले ये जो चार लेयर हैं इनके बारे में बात करेंगे, फिर ये जो टिशू है इनके बारे में बात करेंगे, इस पोलन मदर सेल के बारे में पढ़ेंगे, क्या होते हैं, क्या स्ट्रक्चर है, कैसे मियोसिस करेंगे, कैसे ये माइक्रोस्पोर बनाएंगे, और ये माइक्रोस्पोर आगे चल के कैसे डेवलप होगा पोलन ग्रेन में। रिमेंबर, पोलन ग्रेन इज समवॉट डिफरेंट फ्रॉम माइक्रोस्पोर। हर माइक्रोस्पोर को पोलन ग्रेन नहीं कहा जाता था, हाँ हर पोलन ग्रेन माइक्रोस्पोर जरूर होता है। तो पहले इसमें जो बच गया हमारा, एंथर वाल के बारे में पढ़ेंगे, फिर स्पोरेंजिया के अंदर जो स्पोरोजिनस टिशू है इसके बारे में पढ़ेंगे। तो कमिंग टू द एंथर वाल विच इज ए फोर लेयर्ड स्ट्रक्चर,
told you anther wall is four layered. कौन कौन से लेयर होते हैं? 1, 2, 3 and 4. सबसे जो बाहर का लेयर है, मैं लिख देता हूं फिर एक्सप्लेन करता हूं. दीज लेयर्स आर, सबसे बाहर ये है, सबसे भीतर वाला इनर मोस्ट ये है. दिस इज इनर मोस्ट लेयर, दिस इज द आउटर मोस्ट लेयर. क्या लिखा हुआ है? एपिडर्मिस क्या है, एंडोथीसियम क्या है लिखा है, मिडल लेयर्स, और सबसे जो इनर मोस्ट लेयर है, सबसे इंपॉर्टेंट लेयर मानते हैं, वो है ट्रैपिट. तो इन चारों लेयर को ठीक से समझने के लिए मैं इस एक साइड को इनलार्ज करके डायग्राम बनाऊंगा ताकि बिल्कुल क्लैरिटी आ जाए. तो ओनली दिस पार्ट विल बी इनलार्ज्ड. हमें बाहर की तरफ जो सबसे आउटर मोस्ट लेयर है, वैसे भी हमको पता है किसी भी ऑर्गन का सबसे जो बाहरी लेयर होता है प्लांट के अंदर, उसको एपिडर्मिस ही कहा जाता है. तो ये मैं बना रहा हूँ एपिडर्मिस. ये पूरे एंथर में कंटिन्यू रहेगा. तो दिस इज़ द आउटर मोस्ट लेयर विच इज़ नोन एज ए एपिडर्मिस. तो एपिडर्मिस इज सिंगल लेयर्ड. मालूम है कि ये बाहर की तरफ है तो इसका काम प्रोटेक्शन का ही होगा. उसके नीचे एंडोथीसियम. अब मैं एंडोथीसियम बना रहा हूँ. एंडोथीसियम की सेल्स थोड़ी थोड़ी लंबी होती हैं, एलोंगेटेड सेल्स होती हैं. ये अभी मैं इसको इनलार्ज करके भी दिखाऊंगा, अलग से एक सेपरेट डायग्राम बनाऊंगा. दीज सेल्स आर एलोंगेटेड सेल्स and they are known as, this layer is known as a endothecium. Yeah. So this is endothecium. कैसा है ये भी देखिए आप. एक सिंगल लेयर का बना हुआ, जैसे ऊपर एपिडर्मिस था, ये एक सिंगल लेयर है. और इसकी सेल्स कैसे हैं? एलोंगेटेड सेल्स हैं, लंबी लंबी सेल्स हैं, कालम की तरह सेल है, लंबे लंबे कालम की तरह सेल्स होते हैं. इसकी इस सेल की एक खासियत है, वो यहाँ मैं बना रहा हूँ. जैसे मान लीजिए मैंने ये एपिडर्मिस बना दिया. एपिडर्मिस के नीचे ये एंडोथीसियम बना दिया, और इसी एंडोथीसियम की वाल पे सेलुलोज का डिपोजिशन हो जाता. तो ये मैं जो दिखा रहा हूँ, ये सेलुलोज के फाइबर्स हैं, थिकनिंग है, डिपोजिशन है. तो इस थिकनिंग को क्या कहेंगे हम? अल्फा सेलुलोजिक थिकनिंग. थिकनिंग वर्ड का मतलब होता है कुछ डिपोजिशन. सेलुलोज के फाइबर्स ये डिपॉजिट हो गए इसकी वाल पर. इस सेलुलोजिक थिकनिंग से क्या एक डिफरेंस आता है कि इसकी वजह से ये जो लेयर है ये हाइग्रोस्कोपिक हो जाती है. हाइग्रोस्कोपिक नेचर का हो जाता है. व्हाट इज दिस नेचर? एबिलिटी टू गेन वाटर, एबिलिटी टू लूज वाटर इज कॉल्ड हाइग्रोस्कोपिक नेचर. यानी इसमें जो है कंट्रैक्शन की एबिलिटी आ सकती है, और इस कंट्रैक्शन की एबिलिटी इसीलिए आती है कि इस पर अल्फा सेलुलोज की थिकनिंग होती है. हाइग्रोस्कोपिक नेचर का हो गया. और ये जब इसका जो एक नेचर और हो जाता है कॉन्ट्रेक्टाइल, यानी इसमें कॉन्ट्रेक्टाइल नेचर, कंट्रेक्शन की एबिलिटी. तो जब ये इस एंथर को जब ये मैच्योर होता है, इसको फटना होता है, इसके अंदर बॉल एंड ग्रेन निकलते हैं, तो उसमें ये हेल्प करता है.
तो हमारे दो लेयर हो गए, एपिडर्मिस हो गया, एंडोथीसियम हो गया. एपिडर्मिस इज ऑल्सो सिंगल लेयर, एंडोथीसियम इज ऑल्सो सिंगल लेयर. दोनों में डिफरेंस क्या है? इसकी सेल जो है वो रेक्टेंगुलर है, इसकी सेल बिल्कुल एलोंगेटेड है कॉलम की तरफ. अब मैं ये तीसरा लेयर बना रहा हूँ, मिडिल लेयर्स. मिडिल लेयर्स लिखा है, इसका मतलब ये एक लेयर नहीं है, ये कई लेयर है. वो मैंने बना, ये मैं एक मैंने बनाया मिडिल लेयर. ये एक मिडिल लेयर हुआ, ठीक है. इसी के नीचे एक और लेयर, करीब दो तीन लेयर होते हैं. इसी के नीचे एक और लेयर, तो दो तीन लेयर का ये जो आपको दिखा रहा हूँ मैं डायग्राम में, क्लियर होगा. इस लेयर को क्या कहते हैं? मिडिल लेयर. शॉर्ट में लिख दिया ML, यानी मिडिल लेयर. कितने हो सकते हैं? दो से तीन लेयर हो सकते हैं, 2 to 3 लेयर्स. और ये जो है बेसिकली स्टोरेज का काम करते हैं. इसके अंदर कुछ केमिकल्स या कुछ फूड मटेरियल स्टोर रहता है, स्टोरेज काम करता है. शॉर्ट लिव्ड होते हैं, अक्सर ही डिजनरेट कर जाते हैं. तो ये हो गया मिडिल लेयर, एंडोथीसियम, एपिडर्मिस. और ये जो तीनों लेयर हैं, इनका एक कॉमन फंक्शन है. इनका जो कॉमन फंक्शन है, ये जो तीनों लेयर हैं, इनका एक कॉमन फंक्शन, इनका जो एक, ये जो तीनों लेयर हैं, इनका एक कॉमन फंक्शन है कि दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोटेक्शन एंड ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर डिहेसेंस. क्या काम करेंगे? स्पोरेंजिया का प्रोडक्शन देंगे, और स्पोरेंजिया के डिहेसेंस में, एंथर के डिहेसेंस में भी रोल प्ले करते हैं. नाउ आई एम कमिंग टू द मोस्ट इम्पॉर्टेंट इनर मोस्ट लेयर, दैट इज कॉल्ड टैपिटम. टैपिटम को थोड़ा मैं डिफरेंट कलर से बना रहा हूँ, ठीक है ना, ताकि आपको क्लियर हो जाए. ये रेड कलर से, तो दिस जो कलर बनाया है रेड कलर से बनाया है, और यही है तुम्हारा टैपिटम. इसके बारे में अलग से डिटेल में बताता हूँ, क्योंकि बड़ा इंपॉर्टेंट लेयर है. पोलन ग्रेन के बनने में, पोलन ग्रेन के जर्मिनेशन में, उनके नरिशमेंट में इस लेयर का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है.